हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्लाइविंग ट्यूटोरियल में। स्लाइविंग ट्यूटोरियल में आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रही हूँ पार्ट बी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये आस्तीन की आप चौड़ाई कितना लिख सकते हैं। हर साइज की आस्तीन की जो चौड़ाई होती है वो हम कितना रख सकते हैं। हर बार कन्फ्यूजन होता है कि हमें अगर 32 इंच की हम ब्लाउज बना रहे हैं या फिर सूट या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, हमें कितनी हम इसकी चौड़ाई रखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास, मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर का एक आस्तीन कट करके रखा हुआ है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ आस्तीन। तो आस्तीन की कटिंग की भी वीडियो मैंने डाला हुआ है टॉपिक में, वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको आस्तीन कटिंग करना नहीं आता तो। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पर इसकी साइज दिखाती हूँ कि ये कितनी मैंने इसकी जो चेस्ट के हिसाब से रखा हुआ है, तो कितना मैंने इसका लिया हुआ है यहाँ पर चौड़ाई। तो यहाँ से हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये 8 इंच आ रहा है हमारा। तो मैंने यहाँ पर 28 इंच का चेस्ट के हिसाब से बनाया, 28 का चेस्ट है तो यहाँ पर मैंने 8 लिया हुआ है। वो किस तरह से लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे इसमें, वो फॉर्मूला के हिसाब से हमने यहाँ पर इसकी हर साइज की जो आस्तीन है निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास अगर इसका फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है हमारा चेस्ट ओवर 4 प्लस 1/2 इंच और 1 इंच, मतलब कि आपके पास जितना चेस्ट हो उसका आपने चौथा भाग निकालना है। अगर आपको उसमें ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं है तो आपने 1/2 इंच प्लस करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कपड़ा रखें तो आप 1 इंच उसमें प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो फॉर्मूला के हिसाब से हमने इसकी जो आस्तीन हर साइज की निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर 28 साइज का आपको बताया हुआ है किस तरह से कटिंग करनी है। तो 28 साइज, अगर आपके पास जो भी साइज है, जो भी साइज की आती है, आपने बस ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला के हिसाब से आपकी हर साइज की जो है स्लिप निकल जाएगी, परफेक्ट जो होगी फिटिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बस इसमें ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला से आप कोई भी साइज की जो है परफेक्ट स्लिप निकाल सकते हैं, उसकी जो फिटिंग होगी परफेक्ट आएगी आपकी। और यहाँ पर मैंने 1/2 और 1 इंच बोला है, इसमें भी अगर 1/2 इंच आप प्लस कर रहे हैं तो, अगर आपको ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है तो 1/2 इंच प्लस करेंगे, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहते हैं तो उसमें आप 1 इंच रख सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने प्रोजेक्ट फाइल में इसके लिए चार्ट तैयार किया हुआ है, प्रोजेक्ट फाइल में मैंने इस तरह से बनाया हुआ है साइज स्लिप की ब्रेथ फॉर्मूला जो है चेस्ट ओवर 4 प्लस 1। इसमें मैं आपको जो चार्ट बना के दिखाऊंगी उसमें 1 इंच का मैंने प्लस करके दिखाया है यहाँ पर, जितनी भी मैं आपको दिखाना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर बोला था 1 या फिर 1/2 इंच आप ले सकते हैं, आपको जैसे रखना वैसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1-1 इंच प्लस करके दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इस तरह से फॉर्मूला सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम 28 का निकालेंगे। तो देखिये 28 को हमने 4th पार्ट उसका निकालेंगे, प्लस उसमें 1/2 या फिर 1 इंच, तो ये हमारे पास आ जाएगा। 28 को हमने 4 से डिवाइड करना है, यानी कि उसका 4th पार्ट निकालना है, तो वो आपके पास 7 आ जाएगा। उसमें आपने 1 इंच प्लस कर देना है तो आपके पास 8, यानी जो स्लिप की चौड़ाई आएगी वो आपकी 8, उसका डबल जो होगा 16। तो हमें तो उसको फोल्ड करके देखना होता है, इसलिए हमने उसका 8 लेना है। उसी तरह से नेक्स्ट 30, तो 30 को भी आपने इस तरह से करना है, 30/4 + 1 इंच। तो देखिए यहाँ पर 30/4, 30 का जो 4th पार्ट आएगा हमारे पास, डिवाइड कर दिया, प्लस 1 करना है। तो डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, देख सकते हैं 30 को 4 से हमने 4th पार्ट निकालना है। तो 4th पार्ट भी मैंने आपको बताया हुआ था कैसे निकालना है इंची टेप से। ये देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले आपने 30 के पास आना है, उसके बाद इसको 1/2 कर देना है यहाँ से। तो 1/2 करने के बाद ये आपके पास आ रहा है 15, उसके बाद आपने एक बार और इसको टर्न करना है तो आपके पास आ जाएगा ये 7.5, यानी कि 7.5। तो इस तरह से आप 4th पार्ट निकालते जाएंगे और सारे इसमें फिल करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 7.5 और उसमें हमने 1 इंच प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 इंच हमारा जो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर भी पहले हमारे पास 7 था तो फिर 7.5 और इधर भी 8 तो 8.5। मैंने इसमें 1 इंच का प्लस किया, अगर 1/2 इंच आप प्लस करेंगे तो 1/2 इंच में आपका
हाफ इंच कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर 7.5 रहेगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। उस हिसाब से नेक्स्ट हम 32 का करेंगे। तो 32 के लिए हमारे पास उसी तरह से आपने 32 ओवर 4 प्लस 1 इंच, तो ये आ जाएगा 32 का फोर्थ पार्ट होता है हमारा 8, और प्लस उसमें हमने 1 इंच कर देना है, तो आगे हमारे पास 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ इंच का गैप हो रहा है। नेक्स्ट 34 का उसी तरह से आपने, तो 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5 प्लस 1 इंच, तो ये आ गया हमारे पास 9.5। इस तरह से हम कॉलम को फिल कर लेंगे पूरा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने हर साइज इसका लिख ली है। जैसे यहाँ पर मैंने 36 का बिल बना लिया है, 36 ओवर 4 प्लस 1 9, इसका फोर्थ पार्ट 9 आया और उसमें 1 प्लस किया 10। इधर आप देख सकते हैं कि 8 से स्टार्ट हो रहा है, 28 से मैंने स्टार्ट किया है, तो 8 से लेके ये 14 तक आ रहा है, यानी मैंने यहाँ पर इसकी जो साइजेस रखी हैं वो मैंने रखी है 52 तक हमारे पास साइज 14 तक आ रहा है। मतलब हर में आपने हाफ हाफ इंच में एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका जो स्लीव होगी उसकी परफेक्ट फिटिंग होगी। तो ये तो मैंने यहाँ पर चार्ट ड्रॉ कर लिए हैं, ये है हमारे पास 28 से लेके 52 तक साइजेस की। तो यहाँ पर मैं इसको जो टॉपिक है वो टॉपिक में यहाँ लिख देती हूँ कि ये हमारे पास 28 to 52 साइज की साइजेस की ये हमारे पास पूरी स्लीव की चौड़ाई है जो ब्रेथ है। और इसके बारे में हमने यहाँ पर 28 से 52 तक साइजेस में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं हम। हर साइज की बाजू आस्तीन की चौड़ाई के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या है? चेस्ट, जितना भी आप चेस्ट के लिए आप कपड़ा को फोल्ड करते हैं उसका फोर्थ पार्ट निकालते हैं, उसी तरह से हमने आस्तीन की, जो मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको आस्तीन की, आस्तीन को भी हमने इस तरह से फोल्ड करते होते हैं, तो इसके लिए भी हमने इसका फोर्थ पार्ट निकालना है। जितना साइज होगा चेस्ट होगा उसका फोर्थ पार्ट निकालना है, और उसमें हम हाफ या एक इंच प्लस कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि चेस्ट जितना होगा उसका चौथा भाग लेंगे और उसमें आधा या एक इंच हम प्लस करेंगे, चाहे सूट हो, कुर्ती हो या फिर ब्लाउज हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर 36 इंच चेस्ट हो तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे 36 ओवर 4 प्लस हाफ इंच और 1 इंच। मतलब 36 को 4 से डिवाइड किया यानी उसका फोर्थ पार्ट निकाला तो 9 आया, और उसमें हमने हाफ इंच प्लस किया या फिर 1 इंच कर सकते हैं, तो हाफ इंच करेंगे तो 9.5 आएगा, अगर 1 इंच करेंगे तो 10। टोटल आपकी 9 ही रह जाएगी अगर स्टिचिंग के बाद जो हमारे पास जो स्लीव होगी ये वाली जो राउंड घूम कर आएगा वो हमारे पास 9 ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो हमारे पास ये टोटल राउंड करके कितना, राउंड आपने नहीं देखना है, चेस्ट, ये चेस्ट के हिसाब से आपने ये वाली चौड़ाई देखनी है, राउंड वाली नहीं देखनी है। राउंड तो आपकी जो अटैच होगी उसके साथ, तो राउंड के लिए आपने यहाँ से आप माप के देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1 इंच यहाँ चला जाएगा, तो ये 28 के लिए कितना बच जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ से ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये टोटल हमारे पास 7 इंच रह रहा है, जो कि हमारी 28 के लिए साइज के लिए हमने 7 निकाला था। 28 को 4 से हमने भाग किया यानी फोर्थ पार्ट, तो 7 ही हमारा आ रहा था, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया यहाँ पर 8, और 1 इंच हमने यहाँ पर स्टिचिंग के में डालना है स्टिचिंग के लिए, और कटिंग के लिए आप हाफ इंच कट कर सकते हैं या फिर आप ना कट करें। 1 इंच हमने इसमें कटिंग के लिए या स्टिचिंग के लिए ले लिया है, और यहां से हमने इसको राउंड करके घुमाना है, तो ये हमारे पास 7 इंच कंप्लीट आएगा। देख सकते हैं, एक बार मैं और दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये 7 इंच कंप्लीट आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से हम कोई भी साइज की आस्तीन निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।